मंडल का आनुवंशिकता संबंधी नियम। मंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों में तीन नियम, एक मंडल का प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा युग्मकों की पृथक्करण या शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और तीसरा स्वतंत्र आविर्भवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो इन नियमों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसे मंडल के नियम में अपवाद कहा जाता है। इस अपवाद में दो मुख्य रूप मिलते हैं, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब अपूर्ण प्रभाविता, को डोमिनेंस का मतलब सहप्रभाविता है। आप ये देखें, ये मिराबिलिस जलापा है, मिराबिलिस जलापा का पुष्प है, इसे फोर ओ क्लॉक भी पुष्प कहते हैं। ये मिराबिलिस जलापा है, इसे फोर ओ क्लॉक भी पुष्प कहते हैं। इसमें देखिए विभिन्न रंगों के पुष्प हैं। तो ये मिराबिलिस जलापा जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रदर्शित करता है, यानी अपूर्ण सह प्रभाविता के नियम की पुष्टि करता है। ये कैमेलिया है, कैमेलिया है, ये को डोमिनेंस को प्रदर्शित करता है। इसमें एक ही पुष्प में दोनों कलर है, रेड कलर भी है, व्हाइट कलर भी है। तो आज हम इन दो को समझने का प्रयास करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा कोडामिनेंस सह प्रभाविता। ये दो कलर के पुष्प हैं, ये लाल कलर का पुष्प है और ये सफेद कलर का पुष्प है। लाल कलर के पुष्प और सफेद कलर के पुष्पों के पौधों में संकरण कराया जाता है। तो ये F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी के मध्य जब पहले जनक पीढ़ी के मध्य संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में यानी प्रथम संतति पीढ़ी में यदि मंडल के नियम का सहारा लें तो इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो प्रदर्शित होना चाहिए। यानी हमको सभी पुष्प जो है लाल रंग के दिखाई देने चाहिए, लेकिन हमको लाल रंग के पुष्प यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, गुलाबी रंग के पुष्प दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये हुआ हुआ वो ये कि प्रभाविता के नियम का पालन यहाँ नहीं हो रहा, बल्कि लाल और सफेद कलर को मिला देते हैं तो हल्का कलर हो जाता है लाल का, यानी ये गुलाबी कलर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रथम संतति पीढ़ी में दोनों जनकों में से कोई लक्षण यहाँ प्रदर्शित नहीं हुआ, बल्कि दोनों लक्षणों को ये मिश्रित रूप यानी उनमें से हट करके एक तीसरा लक्षण प्रदर्शित हुआ। ये तीसरा लक्षण जनकों के दोनों लक्षणों का मिश्रित रूप कहलाता है। इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, तो ये शुद्ध लाल रंग का पुष्प है, शुद्ध लाल ये प्रभावी है, और ये शुद्ध सफेद कलर का पुष्प है, सफेद शुद्ध शुद्ध सफेद ये अप्रभावी है। जब संकरण कराएंगे तो ये इनका जनक पीढ़ी है, पैरेंट जनरेशन, तो संकरण कराएंगे तो हमको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो पौधा मिलेगा, इसका जो लक्षण हमको दिखाई देता है ये गुलाबी रंग का पुष्प मिलता है, गुलाबी रंग का पुष्प, ये गुलाबी रंग का पुष्प मिलता है। तो
अगर यहाँ मंडल का प्रभाविता का नियम रहता तो हमको प्रभावी लक्षण वाला पुष्प वाला पौधा मिलता, यानी लाल रंग के पुष्प वाला पौधा मिलता, लेकिन यहाँ हमको लाल रंग के पुष्प वाला पौधा न मिलता कि गुलाबी रंग के, यानी दोनों लक्षणों के का मिश्रित लक्षण यहाँ आपको दिखाई दिया। तो ये जो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है, इसको अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब यह प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया आंसर बन जाएंगे इसको जनकों के मध्य, ये आंसर हम ले रहे जनकों के मध्य संकरण में प्रथम संतति पीढ़ी F1 में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों से भिन्न लक्षण प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है या इनका मिश्रित रूप होता है, मिश्रित रूप होता है। यह अपूर्ण प्रभाविता, यह अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। अब इसमें पर इस प्रश्न में दो प्रश्न और बढ़ाए गए कि मिराबिलिस जलापा के आधार पर और इंडोनेशियन फाउल, यानी ये मुर्गा मुर्गी इंडोनेशियन फाउल के मध्य संकरण की सहायता से अपूर्ण प्रभाविता के नियम की पुष्टि कीजिए। तो हम मिराबिलिस जलापा ले रहे हैं, यहाँ दो मुख्य कलर के पुष्प आते हैं, लाल रंग शुद्ध लाल पुष्प ये प्रभावी लक्षण है और शुद्ध सफेद पुष्प ये अप्रभावी लक्षण है। ये इनकी जनक पीढ़ी है, इसको पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। इनके मध्य जब संकरण कराया जाता है तो संकरण से पहले इसमें गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर से प्रदर्शित होगा शुद्ध सफेद। तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में हमको दो गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल आर और यहाँ दो गैमेट्स मिलेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर संयुग्मन निषेचन के फलस्वरूप हमको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर के जीनोटाइप वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो इसका जब हम प्रकृत में अवलोकन करते हैं, इसको देखते हैं, तो यह जो जीनोटाइप का पुष्प वाला पौधा मिलता है, इस पौधे में लाल रंग का पुष्प हमको नहीं दिखाई देता, बल्कि ये जो है गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का पुष्प, गुलाबी पुष्प वाला पौधा दिखाई देता है। ये इसकी प्रथम संतति पीढ़ी है, फर्स्ट पीढ़ी जनरेशन। तो अगर प्रभाविता का नियम लें तो यहाँ हमको प्रभावी लक्षण का पुष्प मिलना चाहिए था, लेकिन न तो हमको लाल रंग का पुष्प मिला न सफ़ेद रंग का, बल्कि दोनों रंगों का मिश्रित रंग गुलाबी रंग का पुष्प हमको प्राप्त हो गया। यह जो है अपूर्ण प्रभाविता के नियम की पुष्टि करता है। अब एंडोलिशियन फाउल, एंडोलिशियन मुर्गा मुर्गी में अगर सफ़ेद रंग का फाउल ले लें, शुद्ध सफ़ेद और शुद्ध काला,
कमरा, शुद्ध काले के लिए हम जीनोटाइप ले रहे हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी शुद्ध कमरा, और शुद्ध सफेद तो फिर स्मॉल बी हो जाएगा, ये शुद्ध सफेद, ये पैरेंटल जनरेशन है, ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। तो फिर मंडल के प्रभाविता का नियम का सहारा ले तो हमको यहाँ प्रभावी लक्षण के फाउल चूजे दिखाई देने चाहिए, लेकिन यहाँ जो इन मुर्गी मुर्गियों के अंडों के बच्चे आते हैं, चूजे आते हैं, जो चिकन आते हैं, उनका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी तो होता है, लेकिन ये काले रंग के चूजे नहीं होते बल्कि ये नीले रंग के हो जाते हैं, नीला फाउल, यानी हमको नीले रंग के मुर्गी मुर्गियों के बच्चे प्राप्त होते हैं। तो जनकों के मध्य संकरण कराने पर पहली संतति पीढ़ी में, प्रथम संतति पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण यहाँ नहीं दिखाई दिया, बल्कि दोनों प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का मिश्रित रूप दिखाई दिया, यानी शुद्ध काला फल और शुद्ध सफेद पर वाले मुर्गा मुर्गी के बीच जब संकरण कराते हैं तो हमको नीले पर वाले, नीले पंख वाले चूजों के चूजे मिलते हैं, ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। अब ये देखिए, ये कैमेलिया फ्लावर है, कैमेलिया फ्लावर में आपको दो रंग के पुष्प दिखाई दे रहे हैं, एक सफ़ेद रंग का और एक जो है वो लाल रंग का, इन दोनों के मध्य ये पितर पीढ़ी है, इन दोनों के मध्य सब जब संकरण कराया जाता है तो अगर हम मेंडल की प्रभाविता का नियम ले लें तो यहाँ लाल रंग का हमको पुष्प दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ लाल रंग का पुष्प हमको न दिखाई देकर ऐसा पुष्प दिखाई देता है जिसमें कुछ दल जो है लाल रंग के, कुछ दल सफ़ेद रंग, इन दलों पर लाल रंग भी मिलता है, दलों पर सफ़ेद रंग भी मिलता है, यानी सफ़ेद और लाल रंग दोनों मिश्रित रूप में हमें हमको अलग अलग, ठीक है। तो जब दोनों ही लक्षण हमको यहाँ दिखाई दें, सफ़ेद और लाल, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित हो गया और अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित हो गया, इसलिए ये सहप्रभाविता का नियम कहलाता है, सहप्रभाविता का नियम या कोडोमिनेंस, को डोमिनेंस, सहप्रभावी लक्षण इसको दिखाई देता है। तो इसको हम प्रश्न के रूप में देखें कि प्रश्न है सहप्रभावी क्या है, इसे निम्न से समझाइए, कैमेलिया फ्लावर का उदाहरण लेके समझाइए और पशुओं की त्वचा का रंग का उदाहरण लेके समझाइए। तो हम आंसर हो जाए, सहप्रभाविता क्या है, यानी जनकों के मध्य संकरण के फलस्वरूप प्रथम संतति पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ प्रदर्शित होते हैं, एक साथ प्रदर्शित होते हैं, इसे सहप्रभाविता, इसे सहप्रभाविता कहते हैं।
अब कैमेलिया फ्लावर ले लिए, यहाँ लाल रंग का पुष्प है, शुद्ध लाल पुष्प, और ये शुद्ध सफेद पुष्प, सफेद पुष्प, ये इनकी पैरेलल है। इनके मध्य अगर हम संकरण कराते हैं तो हमको फर्स्ट फीलिंग जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का जीनोटाइप वाला पौधा हमको मिलता है। तो मंडल के प्रभाविता के नियम के हिसाब से ये शुद्ध, ये लाल रंग का पुष्प वाला पौधा होना चाहिए, जो अपने रंगों, जो अपने लक्षण के लिए शुद्ध नहीं हो रहा। लेकिन कैमेलिया पुष्प में ये कैपिटल आर स्मॉल आर का पौधा है, ये लाल और सफेद दोनों रंगों को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब इसके पेटल पर सफेद और लाल रंग दोनों रंगों की चित्तियां होती है, इसलिए इसने प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित नहीं किया। इसमें शुद्ध प्रभावी, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ प्रदर्शित हो गए, इसलिए ये सा प्रभाविता का नियम कहलाएगा। अब दूसरा पशुओं की त्वचा का रंग, पशुओं की त्वचा का रंग के आधार पर हम सहप्रभाविता कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो पशुओं की त्वचा का मतलब जो छोटे सींग वाले पशु होते हैं उनकी जो त्वचा का रंग जो है, इस सहप्रभाविता के नियम के लिए आमतौर से लिया जाता है। इसमें हम लाल भूरे रंग की त्वचा वाला पशु ले लें, इसको R1 और R2 से प्रदर्शित किया जाता है। लाल भूरे रंग की त्वचा का पशु और सफेद रंग R2 से इसको प्रदर्शित करते हैं, सफेद त्वचा। वाला ये पैरेंटल जनरेशन है, पितर पीढ़ी है। तो अगर हम इनमें संकरण कराएं तो संकरण कराने के बाद हमको R1 R2 जीनोटाइप का पशु मिलेगा। यानी अगर हम मंडल की प्रभाविता का नियम ले लें तो इसमें प्रभावी रंग का त्वचा हमको दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो है कॉमन बोलचाल की भाषा में लेते हैं सीतारूण, रोण, सीतारूण रोण, यानी ये चित्त का बरा, त्वचा वाला पशु। यानी ना तो हमको पूरी तरह से लाल भूरे रंग की त्वचा का बच्चा प्राप्त होगा, ना ही सफेद त्वचा वाला पशु प्राप्त होगा, बल्कि यहाँ जो बच्चा हमको मिलेगा, बछड़ा है, बछड़े ये जो पशु हमको मिलेगा उसकी त्वचा का रंग इस तरह से होगा कि उस पर सफेद चित्तियां भी मिलेंगी और लाल भूरे रंग की भी चित्तियां मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रथम संतति पीढ़ी में, फर्स्ट फीले जनरेशन में, प्रभावी लक्षण भी और अप्रभावी लक्षण दोनों लक्षण एक साथ प्रदर्शित हुए। प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ प्रदर्शित हुए। जब दोनों लक्षण साथ साथ प्रदर्शित हो गए तो ये
सहप्रभाविता कहलाते हैं। ये सहप्रभाविता कोडोमिनेंस कहलाती है, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इस तरह से इन क्रास से दो चीज प्रदर्शित हो गई कि कोडोमिनेंस सहप्रभाविता क्या है और अपूर्ण प्रभाविता क्या है। आप और भी उदाहरणों से अपने हिस्सा प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम को, इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभाविता के नियम को समझ सकते हैं।